नमस्कार, स्वागत आप सभी का। खबर दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री कल मध्य प्रदेश के दौरे पर भोपाल, राजधानी भोपाल आने वाले हैं। तो उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि कल मैं राजधानी भोपाल पहुंच रहा हूं। रानी कमलापति से 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी और ट्रेनों के संचालन से कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा और झारखंड की कनेक्टिविटी मजबूत इससे होनी है। सुबह 11:15 मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में लाखों निष्ठावान कार्यकर्ताओं से संवाद करने का सौभाग्य मिलेगा। विकसित भारत के लिए संकल्प को और मजबूत करेगा। चलिए बढ़ते आगे। अब 1 जुलाई को शहडोल प्रधानमंत्री आएंगे। बता दें आपको कि कल ही प्रधानमंत्री को जाना था एक शहडोल, लेकिन अब उनका ये दौरा, वहां बारिश की संभावना है, भारी बारिश की, और इसको देखते हुए इसमें बदलाव कर दिया गया है। 1 जुलाई को आने वाले, 1 जुलाई को शहडोल पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी है। लालपुर और पकरिया के कार्यक्रम में वहां पर शामिल होना है प्रधानमंत्री को। बारिश की वजह से कल का दौरा उनका स्थगित हो गया और अब अगला कार्यक्रम भी बन चुका है। 1 जुलाई को वे शहडोल पहुंचने वाले हैं। वहां पर पहले ही तैयारियां जो है वह पूरी कर ली गई हैं, लेकिन भारी बारिश की जो संभावना बनी हुई है इसकी वजह से उनके दौरे में बदलाव जो है वो किया गया और अब 1 जुलाई को वे पहुंचेंगे शहडोल। खंडवा से बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस कार्यालय में हाथापाई पर एक्शन हुआ है। युवा कांग्रेस महामंत्री इमामुर रहमान को नोटिस थमा दिया गया है। शैलेश राठौर को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस दफ्तर में हाथापाई हुई थी और कुर्सियां तक फेंकी गई थी। अरुण यादव समर्थक मोहन ढाकसे को भी नोटिस थमा दिया गया है। कैलाश कुंडल पर टिकट बेचने के आरोप लगे थे। जिला प्रभारी कैलाश कुंडल पर ये आरोप लगाए गए थे और इसके बाद ये पूरा हंगामा जो हुआ था, इसके बाद अरुण यादव को दिल्ली तक जाना पड़ गया था और इस मामले पर आला नेताओं को पूरी जानकारी देनी पड़ गई थी। और जाहिर सी बात है कि चुनावी मौसम में ये सब होना पार्टी के लिए बहुत घातक हो सकता है और इस लिहाज से पार्टी भी समझ रही है, इसीलिए नोटिस अब थमाने शुरू कर दिए गए हैं। कार्रवाई बाद में होगी, लेकिन फिलहाल नोटिस थमा दिया गया है। 3-3 लोगों को ये नोटिस भेजा गया है, जिसमें एक अरुण यादव के समर्थक भी बताए जाते हैं। युवा कांग्रेस महामंत्री इमामुर रहमान को नोटिस दिया गया है। कुर्सियां चली थी, कुर्सियां टूट भी गई। कांग्रेस कार्यालय में हाथापाई की स्थिति खंडवा में देखने को मिली थी। अरुण यादव के समर्थक मोहन ढाकसे जो है उनको भी नोटिस दिया गया। कैलाश कुंडल पर टिकट बेचने के आरोप लगाए गए थे और उसके बाद ये पूरा हंगामा देखने को मिला था और यहाँ पर तो कुर्सियां तक चल गई थी। इसके बाद बीजेपी ने भी तंज कसा था और कहा था कि ये दल कांग्रेस जो है ये क्या इसी तरीके से चुनावी मैदान में उतरेगी, और अगर ऐसे उतरती है तो जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी की स्थिति को मजबूत करेगा। किरकिरी हुई थी कांग्रेस की और इसके बाद अब ये नोटिस देने की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। जवाब मांगा गया, कारण बताओ नोटिस। अमित जायसवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, ये वाकई में ये जो पूरा घटनाक्रम कांग्रेस दफ्तर में हुआ था, कांग्रेस की किरकिरी करने के लिए काफी है। अरुण यादव को खुद को दिल्ली जाना पड़ा था, अब नोटिस थमाए गए। जी बिल्कुल पुनीत जी, मैं बता दूं कि 18 जून का ये पूरा वाकया है, जब AICC सचिव संजय दत्त खंडवा आए थे और आगामी चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने आए थे, लेकिन उसी दौरान ये विवाद हुआ जिसके बाद यहाँ कुर्सियां तक फेंकी गई, दनादन हुआ और जिसके बाद यहाँ काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी। वरिष्ठ नेताओं को पूरा मामला संभालना पड़ा और ये जो तीनों जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं जिनको नोटिस थमाए गए हैं, ये तीनों ही अरुण यादव के समर्थक बताए जा रहे हैं। और ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अरुण यादव को इसके बाद दिल्ली तक जाना पड़ा था। इस पूरे मामले पर उनको अपना पक्ष भी रखना पड़ा था, ये उनका क्षेत्र है। और यहाँ से पूरे प्रदेश में एक मैसेज गया था कि कांग्रेस जो चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, कहीं ना कहीं आपसी फूट की वजह से अब भी गुटबाजी से बाहर नहीं निकल पाई है। तो ये अनुशासन समिति ने आज एक बड़ा निर्णय लिया है और ये कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इन्हें 3 दिन का समय दिया गया है, अगर ये सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो बड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अनुशासनात्मक कार्रवाई इन पर हो सकती है अगर ये
जो नोटिस थमाया क्या है कारण बताओ, नोटिस इसका जवाब मिलता है और उसके बाद संतुष्टि नहीं होती तो कार्रवाई हो सकती है। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के कॉमेडी यूट्यूबर की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से बाइक को टक्कर मारी। यूट्यूबर देवराज पटेल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। लाभांडी के पास सड़क हादसे में मौत हुई। तेलीबांधा थाना क्षेत्र की यह घटना है। यूट्यूब पर 4 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स उनके हैं। महासमुंद जिले के रहने वाले देवराज पटेल और उनकी मौत पर सीएम भूपेश बघेल ने भी दुख जताया है। छत्तीसगढ़ में कॉमेडी की दुनिया में बड़ा जाना पहचाना नाम देवराज पटेल। बहुत छोटी उम्र देवराज पटेल, इनकी बहुत छोटी उम्र है लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने कॉमेडी वीडियो से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था। दोस्तों यार, छत्तीसगढ़ में दो ही लोग फेमस हैं, एक मैं और एक मोर काका। और काका सब बने बने लेकिन बिलासपुर किसान को धमकाना पड़ा भारी। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को भेजा गया जेल। शेरू असलम को भेजा गया जेल, किसान को धमकाने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई। पीड़ित उमेंद्र साहू की शिकायत पर हुई कार्रवाई। दुर्ग चोर गिरोह पर शिकंजा, 8 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों में 2 खरीदार भी शामिल। पुलिस ने 6 चोरी के मामले का खुलासा किया है। खेत में लगे पंप और सोलर तार को करते थे टारगेट। आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद। रानी तरई थाना पुलिस ने की कार्रवाई। दुर्ग में सट्टेबाजों पर पुलिस का शिकंजा। ऑनलाइन सच्चा महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। विशाखापट्टनम में रेड्डी अन्ना बुक 186 पर बड़ी कार्रवाई। दुर्ग पुलिस ने 6 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम समेत चेकबुक जब्त। महादेव बुक से जुड़े मोबाइल नंबरों का खुलासा हुआ है। जांच में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। मधुरवाड़ा से चलता था सट्टा। विशाखापट्टनम में रेड्डी अन्ना बुक 186 नाम के ब्रांच को ध्वस्त किया गया। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले के आरोपी के नार्को टेस्ट की रिपोर्ट पुलिस को सौंपी गई। सीडीएफएसएल रिपोर्ट की जांच के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल जांच करेगी, इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को निशाने पर लिया, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। भूपेश बघेल जी आज तक बोलते रहे ये गड़बड़ हो गड़बड़ और फर्जी एफबी पे दमन सिंह बना के कुछ भी लिखते रहे, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। तो चलो हम उनको बधाई देते हैं, तो शुरुआत करवाई और हिम्मत है जो जो आरोप लगाते हैं उस सबके लिए भी जांच करवा दे तो न्यायालय के। मतलब अजय चंद्राकर जी चाह रहे हैं कि वो तुरंत जल्दी अंदर हो जाए। भाई बात यह है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो होगी, इसी दम उम दिखाने की क्या बात है। अमित जोगी जी वैसे कह रहे मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, गए ना। तो अब अजय चंद्राकर जी का नाम नहीं है उसमें, लेकिन यदि जांच में जो भी व्यक्ति आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले अभी तो ये कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। हमारे पुलिस के अधिकारी पूरे फाइल का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करके आगे बढ़े। महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीबों का पैसा, आम जनता का पैसा, मेहनत का मजदूर, व्यापारी, किसान, उसका पैसा उसमें गया है और वो पैसा डकार गए।
रायपुर बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई। विधानसभा सत्र को लेकर महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान है, सरकार के खिलाफ बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और सत्र के दौरान सरकार को सदन में घेरने पर रणनीति बनाई गई है। 18 से 21 जुलाई तक विधानसभा का मानसून सत्र चलना है। भाजपा विधायक दल की बैठक अभी संपन्न हुई। हमारे बीच नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी हैं। हम सीधी बात करते हैं सर, किस तरह की पूरी बैठक रही है और सरकार को घेरने के लिए क्या रणनीति बनी है? देखिए ऐसा है, 18 जुलाई से 21 जुलाई छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में हमने तय किया है कि सरकार के एक एक विफलता को पूरी संजीदगी के साथ उजागर करने के लिए हम इस छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं। आज विधायक दल की बैठक में हमने विस्तार से इस विषय पर चर्चा किया। इसके साथ ही अनेक और मोशन में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, प्रश्नकाल के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ की और भी जो बुनियादी समस्या है, ज्वलन समस्या है, छत्तीसगढ़ में जो आम आवाम परेशान है इस भूपेश सरकार से, इस भ्रष्टाचार की एक एक परत को हम अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सदन में रखने वाले हैं और जनता इस बात को जाने कि जिस सरकार के ऊपर हमने भरोसा किया था वो सरकार महाभ्रष्ट सरकार है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि इस सरकार को घेरने के लिए यहाँ रणनीति बनाई जा चुकी है और सदन में जमकर सरकार को घेरने के लिए जो भाजपा है वो तैयार है। कैमरा पर्सन सुशील साथ युगल तिवारी, न्यूज एटीन रायपुर छत्तीसगढ़। दुर्ग बीजेपी की सीक्रेट बैठक, भिलाई में बीजेपी के दिग्गजों की बड़ी बैठक। भिलाई में बीजेपी की सीक्रेट बैठक, बैठक से मीडिया को रखा गया दूर। बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह, सांसद विजय बघेल हुए शामिल, सांसद संतोष पांडे, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी शामिल। बैठक में संगठन के कई दिग्गज नेता रहे शामिल। दुर्ग के गढ़ को भेदने को लेकर हुई चर्चा। मंदसौर से वायरल वीडियो की इन दिनों हर तरफ चर्चा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो लोगों का कहना है कि बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मामला सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने एएसआई और दो आरक्षकों को निलंबित कर दिया। ये तस्वीर याद होगी आपको, ये वो शोक संदेश है जिसके चर्चे कुछ वक्त पहले हर तरफ हो रहे थे, क्योंकि जबलपुर में एक बेटी ने मां बाप की इच्छा के विरुद्ध जाकर एक मुस्लिम से शादी रचा ली थी। इसके बाद माता पिता ने गुस्से और दुख में आकर ये शोक संदेश छपवा दिए, जिसमें अपनी ही बेटी को कुपुत्री और नरकवासी बता दिया गया। लेकिन अब कुछ ही दिनों के अंतराल में ऐसा ही एक और मामला सामने आया है मंदसौर से, जहां पर परिजनों ने अपनी ही जिंदा बेटी को कफन पहनाकर हार भी चढ़ा दिया। पूरा मामला नाहरगढ़ थाना इलाके का है, जहां दो साल पहले एक युवती ने दूसरे समुदाय के युवक से लव मैरिज कर ली थी। शादी के बाद से ही वो लापता चल रही थी, लेकिन हाल ही में युवती शादी के बाद थाने अपने बयान दर्ज कराने पहुंची। यहां उसके परिजन भी कयामपुर गांव से पहुंचे थे। उन्होंने बेटी को समझाया, मनाया, लेकिन जब बेटी ने वापस लौटने से इनकार कर दिया तो परिजनों ने किया ये। ये लड़की एक मुसलमान के साथ भग गई है, इसने हिंदू समाज को बदनाम किया है, इसके लिए आज ये हमारे और हिंदू समाज के और परिवार के लिए मर गई है। घर वालों ने अपनी ही जिंदा बेटी पर यह कहते हुए कफन उड़ा दिया कि उसने हिंदू समाज को और घर वालों को बदनाम करने का काम किया है, इसलिए उनके लिए वो आज से मर चुकी है। ये लड़की एक मुसलमान के साथ भग गई है, इसने हिंदू समाज को बदनाम किया है, इसके लिए आज ये हमारे और हिंदू समाज के और परिवार के लिए मर गई है। एक तरफ जबलपुर और मंदसौर के ये दो मामले, जहां परिजन अपनी ही संतान के फैसले से इतने नाराज हुए और टूट गए कि कहीं शोक पत्र छपवा दिया, कहीं जिंदा को कफन उड़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ देश भर में लव जिहाद को लेकर विरोध के सुर लगातार बुलंद हो रहे हैं और इसे देश के खिलाफ एक सोची समझी साजिश करार दिया जा रहा है। मंदसौर से न्यूज 18 के लिए नरेंद्र धनौतिया की रिपोर्ट।
सब्जियों के बढ़े दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया। हरी सब्जियों के साथ टमाटर के दामों में हुई वृद्धि से लोगों की थाली से सब्जी का स्वाद गायब होने लगा है। व्यापारियों का मानना है कि बारिश के चलते सब्जी की फसल बर्बाद हुई है। अगर बात करें तो सब्जी बाजार में ये टमाटर इस समय सिरमौर बना हुआ है और 100 से लेकर 120 और 80 इसका भाव अभी चल रहा है। क्यों इसकी महंगाई की वजह, हालांकि मजबूरी भी है क्योंकि टमाटर से खाने में स्वाद आ जाता है, हम जानते हैं महिलाओं से। मैम, टमाटर महंगा तो है और लेना भी जरूरी है। हाँ, लेना जरूरी है, महंगा लेकिन स्वाद टमाटर से आता है ना जी। अभी क्या भाव लिया है आपने? 80 रुपए किलो। मतलब काफी महंगा हो चुका है। बहुत महंगा, 20 से ज्यादा 80 हो गया है, डबल ट्रिपल हो गया है जी। क्या लग रहा है मैम, ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसके बारे में तो जानकारी हमें नहीं है, पर अचानक से बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। बारिश की वजह, बारिश की वजह जी जी, तो कम होना चाहिए भाव इसका। यस सर, कम होना चाहिए। ये जो लोग हैं, ग्राहक हैं, पहुंच रहे हैं टमाटर लेने, हालांकि बात करें तो टमाटर तो अपनी एक जगह पर महंगा है ही, और भी कुछ सब्जियां भी हैं जो महंगी हैं, और भी कुछ लोगों से जानते हैं कि आखिरकार क्या यहाँ पर जो है टमाटर ही सिरमौर बना है, क्या मतलब, क्या टमाटर ही महंगा है या बाकी भी कुछ महंगा? अभी तो फिलहाल टमाटर ही महंगा लग रहा है। टमाटर महंगा जी जी। बाकी सब्जियां? बाकी सब्जी ठीक है, आम तरह आम दिनों की तरह से सब्जी ठीक है। सब्जियां महंगी है, क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा महंगी है इस समय, टमाटर 120 रुपए किलो चल रहे हैं, आम जनता पे इसका बहुत फर्क पड़ रहा है। आप देखिए मार्केट में सब्जियां भी ठीक से नहीं आ रही है इस समय, बारिश अभी हुई, शुरुआत नहीं हुई, इसके कारण भी तो कम होना चाहिए भाव। भाव बहुत कम होना चाहिए, अभी 30 रुपए तक का टमाटर था, 40 हुआ, फिर 120 हो गया डायरेक्ट, अचानक भाव बढ़ गया, अचानक भाव बढ़ गया। लेना भी जरूरी है, लेना भी जरूरी है, और झोला भी देख लीजिए आधा खाली है। कितने पैसे रख के लाए थे, क्या लग रहा बजट भी? ये 300 रुपए लेके आया था, 300 रुपए में इससे बड़े बड़े दो झोले भरते थे, आज एक भी नहीं भर पाया। बिल्कुल, ये है महंगाई का असर कह सकते हैं। तो टमाटर ने बजट भी कर दिया सर, लग रहा है कि कुछ महंगा हो गया टमाटर? बहुत महंगा हो गया, अचानक महंगा हो गया, और ये उम्मीद नहीं थी कि इतना अचानक महंगा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहुँच रहे हैं और बता रहे हैं कि टमाटर उनका खाने का स्वाद तो बढ़ाता है मगर कहीं ना कहीं बजट जरूर बिगाड़ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।